घर के फटे पुराने सारे कपड़े सिलिए मोटे से मोटे कपड़े चेक छन्नी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स, बिना किसी खर्चे के और बिना किसी मेहनत के। तो देर ना करते हुए सबसे पहली टिप्स शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है इस तरह की बोतलों को लेकर के, जो बोतलें हमारे घर में आती ही रहती हैं और सभी के घर में मिल जाती हैं। इससे हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी एक चीज़, जिसको देख करके आप भी सोचेंगे काश पहले पता होता। तो सबसे पहले तो हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा निशान लगा देते हैं, इसको गोल राउंड में थोड़ा सा काट देते हैं। पहले इसको काट के बताते हैं कि किस तरह से इसे काटना है, और थोड़ी सी पट्टी इसकी हम थोड़ी यहाँ तक ले आएंगे। उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से क्या करना है। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो इस तरह से देखिए, हमने इसको काट दिया है और पीछे में थोड़ा सा इसमें लगा रहना चाहिए। पूरी बोतल अलग नहीं करनी है, क्योंकि अगर अलग कर देंगे तो फिर हमारा जो हम बना रहे हैं वो नहीं बन के तैयार होगा। तो देखिए, थोड़ा सा हमने छोड़ दिया। अब चलिए एक पतली सी पट्टी हम सीधी काट लेते हैं, थोड़ी सी लंबाई में। इस तरह से देखिए, जितना हमने निशान लगाया था, मेरी चौक थोड़ा सा चला नहीं है, लेकिन आप इस जैसे हमने बनाया है आप उसी तरह से इसको बना सकते हैं। अब जो बोतल एक्स्ट्रा है उसको हम अलग कर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम दिखाते हैं। कैमरा थोड़ा इधर उधर हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए, इस तरह से वो बोतल हमने काट के अलग कर दी। अब ये जो ढक्कन वाला पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा निशान लगा लीजिए और चाकू से इसको गोल गोल काट लीजिए। अगर आपके पास पतली वाली सीजर है आप उससे भी काट सकते हैं, कट जाएगा। नहीं तो चाकू गर्म करिए और इस तरह से इसको गोल राउंड में काट लीजिए। जितना बड़ा हमारा ढक्कन है बस उतना ही शेप काटना है। अब ये एक बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया। ये आपके बहुत काम आने वाला है, जो भी आप चाहें उसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कहाँ पे और किस तरह से यूज करना है। अब इसके अंदर इसको हम लगा देंगे और ढक्कन को टाइट से कस देंगे। अब ये एक हमारा पकड़ने वाला हत्था हो गया है। अब इसको आप नीचे में क्या करिए, छोटे छोटे छेद बना दीजिए, कोई निकूली चीज़ ले लीजिए। मैं तो चाकू से ही आपको बना के दिखा रही हूँ। इसमें थोड़े से बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े छेद नहीं करने, छोटे छोटे छेद कर लीजिए। अब ये बोतल हमारे बहुत काम आने वाली है, जो कि हमारे ढेर सारे पैसे भी बचाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये बोतल कैसे पैसे बचाएगी, तो हाँ, आप लोग देखते रहिए कि ये पैसे किस तरह से बचाएगी। छोटी सी बोतल, देखिए, जब भी सिंक में हम बर्तन रखते हैं और जूठन गिरती है तो ये जा करके हमारे पाइप में फंस जाती है और पाइप हमारी ब्लॉक हो जाती है। तो इसके लिए क्या करिए, इस तरह की बोतल को काट करके फिर देखिए इसी टोटी जो होती है उसी में इस तरह से इसको ढक्कन लगा करके आप रख दीजिए, टांग दीजिए। उसके बाद में जब भी कोई बर्तन में लगे कि जूठन है तो इस तरह से सबसे पहले छन्नी में छान करके और इसी के अंदर डालते चले जाइए। तो जितना भी कचरा होगा वो इसमें इकट्ठा होता रहेगा। फिर आप सुबह से लगाकर शाम तक इसमें डालते रहिए और शाम को ये ढक्कन खोल करके आप ले जा करके इसको बाहर फेंक देंगे, तो आपकी सिंक की पाइप कभी चौक नहीं होगी ना कभी ख़राब होगी। क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े जाते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारी पाइप ब्लॉक हो जाती है। अगली टिप्स है, जैसे दूध का पैकेट जब भी लेके आएं तो बिना धुले कभी भी दूध को काट के ना गिराएं, क्योंकि बाहर सभी लोग इसमें हाथ लगाते रहते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि कभी कभी होता है बर्थडे हो या कोई चीज़ होती है तो इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े हमारे घर में जो कैंडल होती है पड़ी रहती है, तो इसको क्या करते हैं बच्चे इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कोई बर्तन में ले लीजिए और गैस को ओपन करके इसको थोड़ी देर थोड़ा सा गर्म करेंगे, बस ये पिघल जाएगी। अब ये पिघलने के बाद में आप सोच रहे होंगे इसका होगा क्या, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो वॉच करते हैं ना लाइक करते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसको हमने इस पर पिघला लिया है। अब ये पिघल गई है, अब चलिए इससे हम करेंगे क्या। दिवाली आ रही है, आपके घर में जितनी भी कैंडल बेकार पड़ी हों आप इस तरह से इसको यूज में ला सकते हैं और ढेर सारी इस तरह की बना सकते हैं। तो देखिए, ये एक दियाली ले लीजिए, दियाली हमारे घर में सभी के घर में मिल जाती है। इसी के अंदर इसको हम पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। मेरे छोटी छोटी टुकड़े थे इसी वजह से। अब ये जो धागा इसी के अंदर पड़ा है आप उस धागे को फेंके नहीं। अब इस पर क्या करें, ये धागा डाल देंगे इसी के अंदर। तो तीनों धागे एक साथ में नहीं डालेंगे, मोटे हो जाएंगे, और चाहें तो तीनों डाल सकते हैं। तो देखिए, अब इसको हम कैसे बीच में रोकें, ऐसे तो ये बराबर गिर जाती है, किनारे साइड में हो जाएगी। तो एक कोई लकड़ी ले लीजिए, नहीं तो सेफ्टी पिन ले लीजिए, उसकी सहायता से इस पे हम इस धागे को इस तरह से लटका देंगे। अब इससे होगा क्या, हमारी एक बहुत सुंदर ही कैंडल बनके तैयार हो जाएगी। अब ये आपकी कैंडल
जितनी तुम एक कैंडल थोड़ी देर में जल जाती है और ये कैंडल आपकी देर तक जलेगी और ये देखने में भी अच्छी लगेगी, ना तेल डालना पड़ेगा ना कुछ। देखिए थोड़ी देर के बाद ये जम के तैयार हो गई। अब चलिए इसको हम जला करके दिखाते हैं। ये काफ़ी देर तक जलेगी और बहुत ही अच्छी लगती है बिना पैसे के खर्च किए। आप बाहर से इसी तरह की कैंडल मंगाते हैं लेकिन घर पे इस तरह से आप बेकार पड़ी मोमबत्ती से बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारी मोमबत्ती जलने के बाद में कितनी सुंदर लगती है, तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि इस तरह की हमारी बैग होती हैं, कभी कभी ये होता है कुंडा हमारा ये खुल जाता है, फिर ये हमें सिलना होता है, तो क्या होता है ये इतना टाइट होता है, मोटा होता है, इसमें सुई हमारी नहीं जाती है। तो इसके लिए छोटी सी टिप्स अपनाइए, जो हमारे ये छन्नी होती है स्टील वाली, इसको ले लीजिए और सुई को इस तरह से इस पर हम रफ करेंगे। इससे हमारी सुई की नोक जो होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है। फिर आप कितना भी मोटा कपड़ा हो या कुछ भी हो सिल के देखें, बहुत ही आसानी से सिल जाता है। देखिए हम इस पर थोड़ी देर के लिए बस इस पर हम रगड़े हैं। अब देखिए ये कितनी मोटी है हमारी जो बैग, इसमें हम सिलाई कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे से सिल जाती है। तो देखिए इस तरह से आप बाहर ले जाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, घर पे छोटे से काम करके आप आसानी से इसको सिल सकते हैं। और धागा क्या है, इसके ऊपर नेल पेंट लगा देंगे तो धागा हमारा उसी कलर का हो जाएगा, इससे दिखाई भी नहीं देगा और हमारी बैग भी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि एक कुंडा टूटता है तो यही होता है, फर्श हमारी एकदम नई है, तो इसको हम किस तरह से, अगर मोची के पास लेके जाइए तो आइए इसमें बहुत पैसे ले लेता है। और अगर हमको नहीं टाइम है तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से बड़ी वाली सुई ले लीजिए और इसको थोड़ा सा जो हमारी होती है छन्नी उसके ऊपर रगड़ देंगे, उसके बाद में आप सिलाई कर लीजिए, आसानी से सिलाई हो जाती है। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को बहुत ज़रूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। मैं हमेशा यही कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स लेकर के आऊँ जिससे कि आपका एक भी पैसा ना लगे और आपके ढेरों काम हो जाएँ, जिससे कि आपके पैसे बचे और समय भी बचे। तो देखिए बाहर ले जाने में आपको समय लगेगा, घर पे आप तुरंत सिल सकते हैं। तो देखिए अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि जब भी आपकी पर्स लगे कि थोड़ी सी गंदी हो गई और आपकी चैन काम नहीं कर रही है, उस टाइम पे आप क्या करिए, थोड़ा सा कॉटन में नारियल तेल ले लीजिए और चैन के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद में जितना भी कॉटन में तेल है वो आप सारी चैनों पे लगा दीजिए और ऊपर में इस तरह से हम थोड़ा सा रगड़ देंगे तो हमारी पर्स जो है नई जैसी हो जाएगी। जितनी भी धूल मिट्टी जमी होती है वो तुरंत तुरंत साफ़ हो जाती है और चैन भी हमारी बहुत अच्छे से खुलने और बंद होने लगती है। कभी भी आपकी चैन ख़राब नहीं होगी। थोड़ा एक बूंद नारियल तेल लगाते ही आपकी पर्स में चैन कितनी भी खराब होगी तब भी आपकी चैन बहुत जल्दी से खुलेगी। टिप्स छोटी सी होती है लेकिन ये बहुत ही काम की होती है। तो इसीलिए मेरी आशा हमेशा यही रहती है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी टिप्स लेकर के आती रहूं। तो आज की टिप्स में आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहती हूं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर